है कि इसराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है, जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है? जब इसराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं। बस फोड़ फोड़ करके आरडीएस डाल डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे, वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में, वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं, हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वो भी नसरुल्ला हिजबुल्ला के साथ हुआ है। फलस्तीन जिंदाबाद और हमास जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं लगने चाहिए, कोड़े बरसाऊंगा सबके पिछाड़ पे, यहाँ नहीं लगने चाहिए। ये इबादत की जगह है, ये पाक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर इबादत करने आते हो यहाँ पर इबादत करो, ये मक्का मुअज्जमा है, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, यहाँ पर हमास जिंदाबाद, यहाँ पर नसरुल्ला जिंदाबाद, यहाँ पर हिजबुल्ला जिंदाबाद, यहाँ पर टेररिस्ट जिंदाबाद। नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। नसरुल्ला हिजबुल्ला मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में? एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इसराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इसराइल में चीफ मिनिस्टर होता है? उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या, आधा अधूरा बेचारी रटी और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट है उनको खुशी हो के देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतार रहे हो ये कहने के लिए कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज का शो अगर कहें कि बहुत ही एमरजेंसी सिचुएशन पर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। नसरुल्ला की किलिंग के बाद जो है इस्लामिक दुनिया में तो प्रोटेस्ट हुए, लिबनान के अंदर हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर इंडिया की बात करें। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्ला की जो किलिंग है कन्फर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले, उन्होंने तिरंगे तो उठाए लेकिन साथ जो है हिजबुल्ला के नारे लगाए। नसरुल्ला की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया और जम्मू एंड कश्मीर ने मोदी सरकार के ऊपर जो है दबाव डाला है कि वो इसराइल को मना करे कि वो जो है इस्लामिक लीडर्स की किलिंग को बंद करे। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी वीडियोस है जो मैं जो है वक्फे वक्फे से अपने शो के अंदर प्ले करती रहूंगी, नाजिया जी के रिएक्शन जानते रहेंगे कि कश्मीर के अंदर सिर्फ इस वक्त मेल नहीं है जो रोड पे निकले बल्कि फीमेल और बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में है और रो रही हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो कश्मीर से अदर स्टेट्स की बात करें तो नसरुल्ला की किलिंग को बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है और इंडिया हमेशा कहता है कि इसराइल को सपोर्ट करेंगे और इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इंडिया को ब्लेसिंग बोला। लेकिन अब नसरुल्ला क्या हर घर से पैदा होगा? क्योंकि कुछ वीडियोज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाजा जी को वेलकम करते हैं अपने शो में, थैंक यू सो मच नाजा जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी और इतने जबरदस्त टॉपिक के लिए। नाजिया जी क्या कहेंगे, ये कश्मीर की गेम तो उल्टा भारत पे ही उल्टी पड़ती जा रही है, इसराइल का सपोर्ट लगता है कि कश्मीर को पसंद नहीं आ रहा। तो पहले मैं शाला आपको ये बता दूं और पूरी दुनिया को ये बता दूं कि मैं स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती हूँ इसराइल को, स्ट्रॉन्गली, अच्छा, दिमाग से भी दिल से भी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती हूँ। अब मेरा मानना यह है कि आवाज ये भी उठी थी कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल को मारोगे, और हमने कहा था हर उस कोक को बनने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे जिस कोक में अफजल पनपेगा। तो आज जब हिजबुल्ला के लिए ये नारा उठा है कि हर हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, I am talking to the Israel, the chief minister of Israel.
तो उस कोक को हम पनपने ही नहीं देंगे। इस कोक में नसरुल्ला या नसरुल्ला जैसे आतंकी जन्म लेने की कोशिश करेंगे। अब आती है बात कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कश्मीर में तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और मुसलमान भारत के तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुसलमान तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब कश्मीर में 1989 में और 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नरसंहार होता रहा, तब भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब की बात तो रहने ही देते हैं क्योंकि अब तो हम 72 वर्जिन उनके पास ऐसे ही भेज देंगे जो भी मुसलमान इस तरीके का हरकत करेगा। लिबनान जर्नलिस्ट को मैंने सुना, लिबनान जर्नलिस्ट जो है वो लाइव न्यूज पर रोने लगी, नसरुल्लाह मर गया, नसरुल्लाह मर गया। I'm so sorry. Today maybe he is as a leader, he did not die. So उनका जो वो तरीका था रोने का उससे मुझे समझ में आ रहा था कि नसरुल्लाह के द्वारा उनको शारीरिक ठरकबाजियों का इंतजाम और मानसिक ठरकबाजियों का इंतजाम और फाइनेंशियल ठरकबाजियों का इंतजाम भी मिलता था। सिंस लास्ट 32 साल से, लास्ट 32 साल से हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह जो है वो कैप्चर करके लीडरशिप चला रहा था। अब हमास के लीडर को का डेथ हुआ, उसके बाद हिजबुल्ला के नसरुल्लाह का डेथ हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड टारगेट कहीं ईरान के चीफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी ईरान के भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरा चटियल मैदान बनाने की कोशिश आप करें और मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। जो आपने बात की खयामिनी को भी ईरान की जानिब से अंडरग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि नेक्स्ट टारगेट बताया जा रहा है, लेकिन स्टेट के अंदर जो है ये देखिए ये पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। नसरुल्ला इस्लामिक लीडर माना जाता है, बहुत से लोग उसको शहादत के रुतबे पर देख रहे हैं, बहुत से लोग उसके लिए रो रहे हैं। लिबनान के अंदर उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और जासूसी करने वाला भी ईरानी ही था क्योंकि ईरान और लिबनान के अंदर किस लीडर को कहाँ रखा जाएगा। इब्राहिम रईसी की किलिंग में भी लेकिन ईरान के खुद की साजिशें थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार अब क्या करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस है और वो मुतालबा मोदी जी से कर रहे हैं कि आपने इसराइल को रोकना है। पहले अगर बात करें तो पहले भी इंडिया प्रेशराइज हुआ है अमेरिका के हाथों कि आपने रशिया को रोकना है और अब बात की जा रही है कि कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ये मुफ्ती परिवार या वो जो है एक और भी खातून है जिसके आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, क्या नाम है उसका, महबूबा मुफ्ती, वो नहीं है बल्कि ये कश्मीर के लोग। और ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हो और कहीं ना कहीं पे ये सामने आता है कि इंडिया की आधा लोग जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है कि नसरुल्ला ये इस्लामिक लीडर्स की किलिंग बंद की जाए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर शिया लोग बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं क्योंकि ये शिया लीडर में से थे। नसरुल्ला हिजबुल्ला मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में? एक सिविलियन क्यों कूदेगा, क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा सिखा करके और वो क्या कह रही है? मैं इसराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ, इसराइल में चीफ मिनिस्टर होता है, उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या, आधा अधूरा बेचारी रटी और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खुशी हो कि देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतारे हो यह कहने के लिए कि मैं इसराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूं। औकात तो ललकारने की इसराइल को। अगर अगर न्यूट्रल बात करनी है तो सबसे पहले यह बात किया जाए कि इसराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है, जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है?
जब इसराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे, बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो छात्र प्रदर्शन था, आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? आप इतनी हाइपर हो गई हैं नाजी जी। जी मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शैला कि अगर अफसोस एक मुसलमान के मरने पर होना चाहिए तो अफसोस एक हिंदू के मरने पर भी होना चाहिए। Agree. और मैं औरत हो करके, अगर औरत जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है इसराइल में जिस हिसाब से बच्चे को माइक्रोवेव में जला रहा था, 6 महीने के बच्चे को, और उसकी माँ का रेप कर रहा था। हम मासी फलस्तीन में जो हुआ वो भी बहुत बुरा है, उसकी वीडियोस भी हम देखते हैं, दिल में दुख है, दर्द है, क्योंकि भारत जवाब के वक्त में विक्टिम कार्ड क्यों खेलता है मुसलमान? और अगर नहीं जवाब चाहिए तो छेड़ो मत किसी को ना, किसी को भी फिर मत छेड़ो, शांति से रहो ना। कौन आपको जा रहा है पोक करने के लिए या उंगली करने के लिए? कोई तो नहीं जा रहा है। आप अगर आप छेड़ते हो तो फिर जवाब में फिर विक्टिम कार्ड मत खेलो, प्लीज फॉर गॉड सेक विक्टिम कार्ड मत खेलो। अब आती है बात इसराइल और भारत की दोस्ती जी, जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी, अच्छा। उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रॉन्गली समर्थन करती हूँ इसराइल का, स्ट्रॉन्गली। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की सरकार स्ट्रॉन्गली समर्थन करती है इसराइल का, और इसराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश। लेकिन जो सिविलियंस पे अटैक इसराइल कर रहा है, क्या आप उसको भी सपोर्ट कर रही हैं? देखिए मुझे तो याद आता है वो दृश्य जब इसराइल की के एक 40,000 से 45,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, एक भी कंप्लीट ना शायद। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था तो उनका दर्द मुझे परेशान नहीं करता है क्या? जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है अगर मुझे याद आ जाता है तो? उन सिविलियंस के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है, क्यों नहीं निकलता है? पाकिस्तान इसलिए रोड पर उतर करके हिजबुल्ला के नसरुल्ला का समर्थन और उसके मरने पर मातम क्यों नहीं मना रहा है? क्योंकि आपके पाकिस्तान में तो खुद शियाओं को मारा जाता है, उनके इमामबाड़े तोड़े जाते हैं, उनके उनके इबादत गाह को तोड़ दिया जाता है, चलता रहता है, बिल्कुल एग्री ना। तो शियाओं के पक्ष में पाकिस्तान क्यों रोड पर उतरेगा? सुन्नी मुसलमान तो शिया को मानता ही नहीं है। मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ, आप भी सुन्नती सुन्नी मुसलमान, शिया भी तो नहीं निकले, कैसे निकलेंगे बेचारे? बम फोड़ फोड़ करके आरडीएस डाल डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे, वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में, वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है, हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं, हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारा देश संवैधानिक है, हमारे देश में अजमल खसब को बजाफते वकील दिया गया था कि आप, और मुसलमान वकील दिया गया था कि आपकी बात को यह समझ पाएगा, आपकी सेंटिमेंट को यह समझ पाएगा, ये मुसलमान वकील है, आप इसको बोलिए, अपने दिल का दर्द बताइए इसको और अपने जज्बात बताइए कि आपने लाखों लोगों को क्यों मर्डर कर दिया। ये हमारा देश है, डेमोक्रेटिक देश है ना, यहाँ आतंकवादी क्यों लाखों भारतीय नागरिक को मार डालता है उसके भी जज्बात को समझा जाता है। अब आती है बात कि आपके पाकिस्तान में शियाओं की औकात ही नहीं है रोड पर निकलने की, नहीं तो उनको तो मार करके खत्म कर दिया जाएगा और ब्लास्फेमी का फेक इल्जाम लगा करके उनको उनके चितड़े उड़ा दिए जाएंगे। अब आती है बात, ये निकलते भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलते, सिर्फ जुलूस के लिए जब उनका मुहर्रम में होता है। देखिए चला एकदम गलत, हम हमेशा न्यूट्रल बात किए हैं आपके साथ बैठ करके, एक्सेप्ट मुहर्रम के जुलूस के अलावा आपके पाकिस्तान में शिया और अहमदी बरेलवी बोरा को इजाजत ही नहीं है किसी चीज के लिए निकलने के लिए, तो वो बेचारा नहीं निकला। हमारे भारत में जो चाहो बलात्कारी के समर्थन में निकल जाओ, अजमल खसब के समर्थन में निकल जाओ, याकूब मेमन के समर्थन में निकल जाओ, सब निकल जाता है।
अब आती है बात कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, दूसरा वाला। दूसरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के जंग के बीच में आप जाएं और जाकर के आप उसको खत्म करें, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कोशिश भी की और वो कोशिश रंग लाती भी दिखाई भी दे रही है। ठीक है, रंग लाती भी दिखाई भी दे रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि रशिया और यूक्रेन में जो जंग, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो कोई एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो पावर का कॉन्फ्लिक्ट है, वो पोजीशन का कॉन्फ्लिक्ट है। कौन किससे बेटर है और कौन किससे कितना ज्यादा पावर और पोजीशन रखता है, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो इसराइल और अभी ईरान का जो हुआ है, या इसराइल और लेबनान का जो हुआ है, या इसराइल और हमास और फिलिस्तीन का जो हुआ है, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है। इसको समझना पड़ेगा, ये ऐसा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है जो 1450 साल से चला आ रहा है। एक तरफ हर मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो लेबनान का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, और चाहे वो इसराइल का तौरा पड़ता हो, वो सब ने अलहामी 5 किताबों में बनी इसराइल पढ़ा है। लेकिन सारे मुसलमान एकजुट होकर के फिर से एक बार बनी इसराइल को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 4 इस्लामी किताबें, चार। और बनी इसराइल फिर से ये प्रूफ करने की कोशिश में है कि हम तो अलहामी किताब से चले आ रहे हैं, तुम हमको खत्म करोगे तो कैसे करोगे, हम तो तुम्हारी 5 अलहामी किताब में है, तुम जबूर पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम तौरा पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम इंजील पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम बाइबल पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम अल कुरान पढ़ो तो भी बनी इसराइल है। टोटल ही 4 है, आसमानी किताबें हैं ही 4-5 नहीं। तो हर में बनी इसराइल का जिक्र है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप मुद्दे से क्यों हट रही हैं? आपके जम्मू कश्मीर में हर घर पैदा होने की बातें हो रही है, आप तो हर जगह पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलते रहते हैं। आपने आपने 3 सवाल किया था, तो 3 का जवाब देना जरूरी था कि नहीं था, ये पहले बोलिए। बोलिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई है, तो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री इसमें नहीं कूद सकते, इसमें नहीं कूद सकते, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में उमर अब्दुल्ला ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के चश्मो चिराग जो है, जिन्होंने हिंदू लड़की से शादी किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को गाजा और फिलिस्तीन पर जो अटैक वो कर रहा है उसको रोकना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हाँ, एज अ मुस्लिम स्टेटमेंट ठीक है, सही है, एज अ मुस्लिम स्टेटमेंट शाला ये भी तो होना चाहिए कि जिस तरह से हमास ने घुस करके इसराइल की बहु बेटियों को नंगा किया था और नारे तकबीर के नारे पर बलात्कार किया था और 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया था और माँ का रेप कर रहा था, ये भी गलत है, बिल्कुल बोलना चाहिए, इस पर भी बोलना चाहिए था उमर अब्दुल्ला को। पर मैं आपको चैलेंज देती हूँ और इस पूरी दुनिया को चैलेंज देती हूँ कि इस पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अगर एक भी ट्वीट किया है तो मुझे दिखा दिया जाए, मुझे दिखा गलत, तो गलत बोले, जो भी करे गलत तो गलत ही है, हमास करे या फिर इसराइल, बिल्कुल गलत तो गलत है। गलत है, लेकिन देखिए आप इनके छल कपट और दोहरी राजनीति और गिरगिट वाले रंग की प्रकाष्ठा की हद को देखिए कि उमर अब्दुल्ला आज रोड पर उतर करके मातम के साथ साथ और महबूबा मुफ्ती मातम के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। आप उस वक्त क्यों नहीं कहें जब हमास इसराइल की बहु बेटियों को घुस करके उनका रेप कर रहा था नारे तकबीर के नारे पर, तब उमर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को 2 बातें कहनी चाहिए थी, और भारत के मुसलमान जो फलस्तीन और हमास के समर्थन में खड़ा है उनको 2 बातें कहनी चाहिए थी। एक कि नारे तकबीर का नारा जो होता है वो नमाज का तहलीमा बांधने के लिए होता है और इस्लाम का प्रचार करने के लिए होता है, बलात्कार करने के लिए नहीं होता है, तो इन हमासियों को रोका जाए कि इस्लाम की शक्ल को बदनुमा दाग ना लगाए। दूसरा,
सारे मुसलमानों को जो आज फलस्तीन और हमास की हिमायत कर रहे हैं, और नसरुल्ला और हिजबुल्ला नसरुल्ला के लिए जो मातम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, ये भी कहना चाहिए था कि हमास ने शुरुआत की, जो उसने गलत किया है वो माफी मांगे और आदरणीय प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन करे और इंटरवीन करके इस झगड़े को शांत करवा दे। लेकिन ये होना चाहिए, एक मिनट रुक जाएं, जो मेरी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। देखिए, कश्मीरी जो भारत का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है जम्मू एंड कश्मीर को लेके, कि कश्मीरी खुद को इंडियंस मानते हैं, ठीक है, ये काफी टाइम से आर्टिकल 370 के बाद भी, और कश्मीरी खुद को इंडियन मानते हैं। अब जो इंडियंस और कश्मीरी इंडियंस के बीच जो आइडियोलॉजी का फर्क है, वो यहीं से पता चलता है कि लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, ये कोई सियासी पार्टी के लोग आज रोड पे नहीं है, ये आम सिविलियंस आए हैं, हर एज से ताल्लुक रखने वाले आए हैं। नसरुल्ला के मैं क्लिप भी चलाऊंगी, लोग देखें कितना ज्यादा क्राउड इस टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर के रोड के ऊपर है, और इस पॉइंट पे वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तानी मीडिया ने बोला, मैं फिर बता रही हूँ, पाकिस्तानी मीडिया में खबर चली कि नसरुल्ला शहीद हो गए हैं और हम जो है नसरुल्ला की शहादत पर अफसोस कर रहे हैं। सेम स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर से आ जाती है कि हम नसरुल्ला की शहादत पर अफसोस करते हैं, और कितने नसरुल्ला इसराइल आप मारोगे, कश्मीर के हर घर से जो है नसरुल्ला निकलेगा, और मोदी साहब जो है इसराइल को रोके कि वो इस्लामिक लीडर्स को किलिंग को बंद करे। दूसरी जानिब इंडिया की जो सेकुलर स्टेट्स के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अच्छी बात है, ये सब मारे जाएं, बहुत अच्छा हुआ, अब खयामीनी को भी निपटा दिया जाए। ये एक चल क्या रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि एक ही कंट्रीज में दो नजरियात जो है आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने तो बुरहान वानी को भी शहादत का दर्जा दे दिया था। हमारे भारत के रजाकार फौज के आखिरी सिपा सलार जो असदुद्दीन अवेसी हैं, उन्होंने उन्होंने तो अफजल गुरु को भी शहादत का दर्जा दे दिया था। सारे आतंकियों को ये लोग शहादत का दर्जा दे देते हैं, तो अपने मन की शांति के लिए अगर देते हैं तो देते हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका उनको अपने स्टैम्प के साथ कहती है कि ये आतंकवादी है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। चाहे वो याकूब मेमन हो, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो कोई भी आतंकवादी हो, तो हम किसी की जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट लाइक पाकिस्तानी। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, अपने अपने प्रदर्शन को, अपनी अपनी बातों को रखने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी अपनी बातें रखिए। और हम जैसे संविधानिक मुसलमान जो जो इस्लाम को भी बहुत बारीकी से जानते हैं और संविधान को भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बारीकी से जानते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी के भी नहीं रोक सकते हैं। अब आपने कहा कि ये जो कश्मीर में बच्चियां उतरी हैं, ये जो बच्चे उतरे हैं, तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये आपने कहा है। अब आपको अब्दुल्ला परिवार ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजा होगा तो अलग सी बात है, भाई आप इतना बायहुक और क्लोक बोल रही हैं। हाँ, तो इतना बायहुक और क्लोक आप बोल रही हैं। लेकिन जब 370 हटने से पहले भी ये छोटे छोटे बच्चे हम टीवी न्यूज चैनल्स पर देखते थे कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, मशाले जला रहे हैं, हैंडबिल छाप छाप करके गुस्ताखे रसूल का बांट रहे हैं, हिंदुओं को द डॉग लिख करके ब्लैक पेंट से लिख रहे हैं, ये बच्चे ही करते थे। तो बाद में पता चला कि ये लश्कर ए तैयबा और यासीन मलिक के ग्रुप से जुड़े हुए थे, और अब जा करके सारे भेद खुले हैं, और ये बच्चों के अम्मा अब्बा खुद ही बता रहे हैं कि हमें मजबूर किया जाता था कि अगर तुम नहीं इन्वॉल्व होगे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट में तो हम समझ लेंगे कि या तो तुम मिलिट्री और डिफेंस से जुड़े हुए हो, और या तो फिर तुम यहाँ के सरकार से या यहाँ के संविधान से तुम जुड़े हुए हैं, तो हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो जिस मुसलमान घर में 5 भाई और 3 बहनें होती थी, उसमें से किसी एक को जिहादी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था, अदरवाइज उनके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता था। तो आपके असर अभी तक मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जम्मू कश्मीर से सबके सब निकल गए हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। कश्मीर से जितने भी आतंकवादी हैं वो वहां से हट करके जम्मू में जा करके घुस करके बैठे हुए हैं, छुप करके बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि एक बार अब्दुल्ला परिवार को
को जीतने दो, एक बार मुफ्ती परिवार को जीतने दो, फिर देखो हम क्या दिखाते हैं। तो फिर जो आज रोड पे निकले आप उन्हें भी टेररिस्ट ही मानती हैं, जो कि नसरुल्लाह के नारे लगा रहे हैं, हिजबुल्लाह की जीत। एकदम मैं आपके चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में मैं घोषणा कर रही हूँ कि ये जो लोग आज नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए मातम का माहौल बनाए हैं कश्मीर में, ये पैसे लेकर के ग्रुप, ये पैसे लेकर के किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उतरे हैं रोड पर। पैसे देना मुमकिन बात है? अरे क्या बात कर रही हैं आप, एनवेलप में पैसे बांटे जाते थे, एनवेलप में स्टोन पेल्टिंग के लिए। एक जमाना होता था कि कश्मीर की खाड़ियों में बैठ करके एनवेलप बनाया जाता था, एनवेलप बनाया जाता था कि 1,000 बच्चे यहाँ खड़े होंगे स्टोन पेल्टिंग के लिए, 10,000 के बच्चे वहां खड़े होंगे स्टोन पेल्टिंग के लिए, 20,000 बच्चे वहां खड़े होंगे स्टोन पेल्टिंग के लिए, और एनवेलप में उनको पैसे दिए जाते थे। क्या बात कर रही हैं आप, ये तो का नसरुल्लाह से क्या लिंक है फिर? देखिए जहां जहां इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होगा वहां वहां मुसलमानों का लिंक उससे होगा, वो कश्मीर हो चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो हैदराबाद हो। क्यों? अच्छा, फलस्तीन की हिमायत में क्या हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन नहीं निकला था तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा का? क्या फलस्तीन और हमास की हिमायत में रजाकार फौज के आखिरी सिपाह सलार असदुद्दीन अवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ समारोह में नहीं लगाया? अब देखिए मैं ओरिजिनल मुसलमान के बारे में आपको बताती हूँ, जिनकी जिनको हर मुसलमान को फॉलो करना चाहिए। शाला सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक फोकस होता है कि हम मरने से पहले एक बार हज कर ले। हर मुसलमान मुझे लगता है शायद हाफिज सईद भी ये बात सोचता होगा कि हम मरने से पहले एक बार हज तो कर ले, है ना? उसामा बिन लादेन भी सोचा होगा कि मरने से पहले एक बार हज तो कर ले, हर मुसलमान यही सोचता है। लेकिन अरब सेलिब्रेट कर रहा है नसरुल्लाह की के डेथ को, मिठाइयां बांट रहा है। सच में मैंने आपको न्यूज भेजा है, मैंने आपको न्यूज पिक्चर के साथ भेजा है और आप दिखाइए, अरब सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। और मोहम्मद बिन सलमान ने साफ लफ्जों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ हुआ है, फलस्तीन जिंदाबाद और हमास जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं लगने चाहिए, कोड़े बरसाऊंगा सबके पिछाड़ पे, यहाँ नहीं लगने चाहिए। ये इबादत की जगह है, ये पाक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर इबादत करने आते हो यहाँ पर इबादत करो, ये मक्का मुअज्जमा है, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, यहाँ पर हमास जिंदाबाद, यहाँ पर नसरुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर हिजबुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर टेररिस्ट जिंदाबाद, नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मेरे मेरे देश में आकर के मेरे देश के हिसाब से रहो, मेरे देश में आकर के किसी और टेररिस्ट का जिंदाबाद अगर करोगे, आपके यहाँ क्यों नारा लगा? आपके यहाँ क्यों नारा लगा? हमारे यहाँ भी हम टाइट करेंगे, चिंता किस बात की है, डेमोक्रेटिक देश है। एक बात है वैसे कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज में देख ले, गल्फ कंट्रीज की बात करें, कहीं पे भी नसरुल्लाह को लेके इतना लाइमलाइट नहीं मिला, ना ही उन्होंने कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है इसराइल को लेके। पाकिस्तान के अंदर मीडिया तक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि शहीद हो गए नसरुल्लाह और बड़ा जुल्म हो गया, और इसराइल के लिए तो शहबाज शरीफ साहब भी बोले कि भाई फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री का स्टांस होता है। जैसे समटाइम भारत भी ये स्टांस लेता है जब हिंदू या माइनॉरिटीज पे अटैक होते हैं, जैसे बांग्लादेश को लेके मोदी साहब ने फर्स्ट टाइम ये मेंशन किया था मोहम्मद यूनुस को कि हिंदू कम्युनिटी की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो ये तो एक एक चीज है, लेकिन इस्लामिक वर्ड नहीं बोल रहा, सेकुलर कंट्री बोल रही है। वाह, हाँ ये तो हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है शैला, और आज मैं आपकी इस बात को अग्री करूंगी। हाँ। आज मैं आपकी, हमेशा हमारा मतलब एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, पर आज मैं आपकी इस बात को अग्री करूंगी कि हमारा देश कुछ इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक हो चुका है कि एक आतंकी जो स्टैम्प्ड आतंकी है, जिसके बारे में यूएन में चर्चा हो चुकी है, जिसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट में चर्चा हो चुकी है, जो 32 सालों से एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, और जिसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड चीफ कमांडो को नबील खाऊक को भी एलिमिनेट किया गया है। और मेरे लिए ये बहुत ही नजर झुकाने की बात है
कि कश्मीर में पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्कों में ये प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। मेरे भारत जो डेमोक्रेटिक देश है, जो सेक्युलर देश है, उसके सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने ड्यूरिंग इलेक्शन हिजबुल्ला की मौत पर अपना पॉलिटिकल साजिश खेलने की कोशिश की है और मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश की है कि देखो हम तुम्हारे टेररिस्ट के साथ हैं, तुम हमें ही वोट देना। सो मच दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और नाजिर जी का ये जो स्टेटमेंट आज हमने रिकॉर्ड किया बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी कि जम्मू एंड कश्मीर से ये क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चला। लिबनान में चलता तो वो एक ज़ाहिर है एक चीज समझ आती है, क्योंकि उनके एक नेशनल हीरो थे 32 सालों से जो है नसरुल्ला हिजबुल्ला को जी लीड कर रहे थे और अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जो है रहते थे और वहां पर इसराइल ने रॉकेट मारा और वो तस्वीरें भी हमने ऑडियंस को दिखाई है। बहुत अच्छा लगा नाजिर जी, और मैं अपने दोस्तों से कहूंगी नाजिर जी के लिए प्रे भी करें, आज उनकी तबीयत भी कुछ नासाज है, बुखार है, और दुआ करें कि वो जल्द से ठीक हो जाएं। और फिर भी इतनी बीमारी में इतनी एनर्जी से बोली, थैंक यू सो मच, और हमें इंटरटेन करने के लिए और अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच नाजिर जी। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम।